जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम सीखेंगे कि आप रैबिट में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। व्हाट यू हैव टू डू इज टू सिंपली वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू। टाइम इज मनी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डियर स्टूडेंट्स, रैबिट में जब भी आपने स्टेयर ड्रॉ करनी है तो आपने दो चीज़ों को याद रखना है। स्टेयर्स आपकी दो चीज़ों पर लाई करती है, एक आपका ट्रेड होता है और दूसरा राइजर होता है। स्टेयर्स में जो आपकी वर्टिकल सरफेस होती है वो आपका राइजर कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह स्टेयर्स में जो आपकी हॉरिजेंटल सरफेस होती है वो आपका रनर या ट्रेड कहलाता है। तो आपकी जो स्टेयर है वो इन दो चीज़ों के ऊपर लाई करती है। सो स्टेयर्स ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रेट स्टेयर्स ड्रॉ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने आर्किटेक्चर टैब पे क्लिक करना है। आर्किटेक्चर टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेयर का, ठीक है। स्टेयर पे हम करते हैं क्लिक, ओके। अब यहाँ राइट साइड पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे स्ट्रेट स्टेयर का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पाइरल स्टेयर भी ड्रॉ कर सकते हो, सेमी सर्कल और स्टेयर भी हैं अवेलेबल है, एल टाइप स्टेयर भी अवेलेबल है और यू टाइप स्टेयर भी अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सबसे पहले हमने स्ट्रेट स्टेयर को सेलेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार में एडिट टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे मुझे जो रिक्वायर्ड है वो 7 इंच का राइजर रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रेड होगा, ट्रेड में यहाँ पे 10 इंच कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 इंच का हम ट्रेड लेंगे और उसके बाद हमारे पास मिनिमम रन विड्थ जो है वो 3 फीट होगी। तो इट्स ऑल गुड। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। नाउ यहाँ पे हम अपनी स्टेयर को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, साथ ही मेरे पास यहाँ पे जैसे मैं इसको लेंथ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ़ राइजर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे नीचे बॉटम पे आपको नंबर ऑफ़ राइजर्स भी शो हो रहे होंगे, जैसे कि अभी 14 राइजर हैं। मैं और इंक्रीज़ करता हूँ तो 16, 17, 18। तो जितने भी आपको नंबर ऑफ़ राइजर रिक्वायर्ड हैं, जितनी भी आपने इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट की है, आप उतने नंबर ऑफ़ राइजर्स पे ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस पे अगर 12 राइजर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, दिस इज़ 11 एंड दिस इज़ 12। सो यहाँ पे हमारे पास 12 राइजर ड्रॉ हो चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल ड्रॉ द स्ट्रेट स्टेयर्स, ओके। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट, वी हैव स्पाइरल स्टेयर्स। सो अगेन स्पाइरल स्टेयर का प्रोसेस भी सेम है। स्पाइरल स्टेयर पे क्लिक करेंगे, ओके, और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे रेडियस देंगे, ओके, जितना भी आप इसको देना चाहो। यहाँ पे हम इसको रेडियस दे देते हैं, आफ्टर स्पायरल स्टेयर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेयर्स आती हैं वो हैं एल टाइप स्टेयर्स, ओके। सो एल टाइप स्टेयर्स भी सेम एज अ स्ट्रेट स्टेयर्स की कॉपी है। सो इसको हम यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं वो 18 नंबर ऑफ राइजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से, जो भी आपने कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से आप इसके राइजर को इंक्रीज भी कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो इसके यहाँ पे देखें 2 राइजर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो आप अपनी मर्जी से इसमें जितने भी राइजर रिक्वायर्ड हो आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एल टाइप स्टेयर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेयर वी हैव, दैट इज़ यू टाइप स्टेयर, ओके। सो यू टाइप स्टेयर भी सिंपल इसी तरह ही है। यहाँ पर मैं इसको प्लेस करता हूँ, ओके, वेट अ वाइल, या और यहाँ पे भी इसमें हमारे पास 18 नंबर ऑफ राइजर अवेलेबल है। मैं इसको भी उसी तरह अपने हिसाब से जितने भी मुझे रिक्वायरमेंट है मैं इसको ज़्यादा कर सकता हूँ, ओके। अब इस तरह इसको इंक्रीज़ कर सकते हो नंबर ऑफ राइजर्स। सो बेसिकली जो आपकी स्टेयर होती है वो दो चीज़ों पे लाई करती है, एक आपका राइजर होता है, एक आपका ट्रेड होता है। ट्रेड आपकी जो है वो हॉरिजेंटल सरफेस होती है और जो राइजर होता है वो वर्टिकल सरफेस होती है। सो दिस इज़ हाउ यू विल ड्रॉ द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयर्स इन रैबिट, ओके। सो अगर आप इनकी एलिवेशन देखना चाहो या अगर आप इनको 3D में देखना चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। सो यहाँ से हम इसकी 3D व्यू में जाते हैं, ओके, वेट अ वाइल, या
तो आप इनको 3D में देखो, तो 3D में आपको ये स्टेयर्स कुछ इस तरह नज़र आएंगी। ठीक है, आपकी स्ट्रेट भी अवेलेबल है, स्पाइरल भी है, एल टाइप भी है और यू टाइप भी अवेलेबल है। तो इनको हम यहाँ से शेड करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको व्यू पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, डिफरेंट ऑप्शन है। शेडेड व्यू में भी देखना चाहते हैं तो शेडेड व्यू में भी आपको ये अवेलेबल होगा। सो वापस जाते हैं लेवल 1 में। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सिंपल एंड इजी मेथड में ये चीज़ें समझाऊं। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।